नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहूसर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर आया हूं। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर आपको निश्चित रूप से कमेंट करने ही होंगे, तभी आपको मजा आएगा। देखिए, मैंने लिख रखा है चार अंकों की संख्या, बस इतना ही लिखा है। मतलब आपको क्या करना है, केवल चार अंकों की संख्या मुझे कमेंट करना है। और वो चार अंकों की संख्या कैसे होगा उसको ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, अब चार अंकों की संख्या है मतलब उसमें चार अंक तो होंगे ही, तो ये चार अंकों की संख्या की विशेषता मैं आपको बता देता हूं कि वो चार अंक की संख्या कैसी होनी चाहिए जिसको आपको मुझे कमेंट करना है। पहला शर्त है कि उस चार अंक की जो संख्या होगा उसका इकाई और दहाई के जो अंक है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब एक समान होना चाहिए, मतलब इकाई और दहाई में जो संख्या है वो एक ही हो। उसी प्रकार सैकड़ा स्थान पर और हजारवें स्थान पर जो संख्या है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी समान होने चाहिए। हाँ, ये दोनों अलग अलग प्रकार से समान हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं ये कहूं कि इस प्रकार वो संख्या हो सकता है, कैसे, आप यहां पर देख सकते हैं इकाई और दहाई के अंक क्या है, समान है, और सैकड़ा और हजार के अंक भी क्या है, समान है। तो वो संख्या इसी प्रकार के होने चाहिए। लेकिन अभी एक और शर्त बचा हुआ है, तीसरा शर्त। वो तीसरा शर्त क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप जो भी संख्या कमेंट करने वाले हैं चार अंकों की, उनकी विशेषता यह होनी चाहिए कि वो जो चार अंकों की संख्या आप लोग मुझे कमेंट करेंगे वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। इतना आपको हमेशा याद रखना है कि वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि वो चार अंकों की संख्या कौन सी है जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, सैकड़ा और हजार के अंक समान है, और जो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो दोस्तों, वीडियो को आप यहीं पर रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो चार अंकों की संख्या क्या है, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही सरल तरीके से गणितीय व्याख्या के माध्यम से आपको इसका हल करके बता रहा हूं कि वो चार अंकों की संख्या है क्या। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही बेहतरीन गणित और गणित के जादुई वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। दोस्तों चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, हमको कहा गया है कि चार अंकों की संख्या बताना है और वो पूर्ण वर्ग भी होने चाहिए, और इकाई दहाई और सैकड़ा और हजार के अंक अलग-अलग समान भी होने चाहिए। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर हम गणित की भाषा में जब हमें वो संख्या पता ना हो तो उसको हम चर रूप में लिखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि मान ले जाए वो चार अंकों की संख्या इस प्रकार है जिसके अंक को हम इस प्रकार बराबर लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पर देखिए, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। लेकिन अगर इसको हम अंक के रूप में लिखते हैं, मान लिया जाए, तो हम इसको किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां पर तीन तीन लिख सकते हैं, चार चार लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गणितीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो भाई निश्चित रूप से यदि हम इसको विस्तारित रूप में लिखें, तो विस्तारित रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं। अगर इसको हम देखें, ये किस स्थान पर है, ये हजारवें स्थान पर है, ये सैकड़ा स्थान पर है, और ये दहाई स्थान पर है, और ये इकाई स्थान पर है। तो जो सैकड़ा स्थान पर है और जो हजार के स्थान पर है, जैसे इसको हम लिखना चाहें तो हजारवें स्थान पर है उसको हमें हजार से गुना करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सैकड़ा स्थान पर है उसको हमें सैकड़ा मतलब सौ से गुना करना पड़ेगा, ये भी हो गया। उसी प्रकार जो दहाई के स्थान पर है उसको हमें दस से गुना करना पड़ेगा, ये बी लिख दिया मैंने। और जो इकाई स्थान पर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही संख्या लिखना पड़ेगा। निश्चित रूप से यहां पर जो संख्या हमने लिखा है इसी का विस्तारित रूप है ना, गणित के नियम के आधार पर। अब भाई गणित का नियम कहता है यदि कोई चर है ना, चर राशि समान है, जैसे देखिए यहां पर ए और ए समान है, बी और बी समान है, तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, है ना। असमान चर को हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो समान चर है उसको हम जोड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप 1000 में 100 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। मतलब यहां पर हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 1000 था, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ए को हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1000 में 100 को जोड़ रहे हैं, तो इतना हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा, अब देखिए यहां पर भी ये दोनों समान हैं,
तो 10 बी में आपको एक बी को और जोड़ना है, तो कितना बी हो जाएगा, 11 बी हो जाएगा। ये देखिए हो गया निश्चित रूप से। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों में कोई संख्या को कॉमन निकाल लेना है। निश्चित रूप से क्या निकलेगा, 11 जो है कॉमन निकलेगा। तो 11 को यदि यहां पर मैं कॉमन निकालता हूं, चलिए मैं आपको अलग कलर में लिख के बता रहा हूं, 11 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है केवल 100। ठीक है, ये तो बचेगा ही है ना। और यहां पर क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 11 को तो हमने कॉमन निकाल रखा है, यहां पर क्या बच रहा है, केवल बी बच रहा है। तो बी को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ गणितीय विधि से हल करने का प्रयास किया है। यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि सबसे पहले ये कहा गया था कि ये 4 अंकों की संख्या है, निश्चित रूप से। अब 4 अंकों की संख्या जो है उनके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के जो अंक है अलग अलग समान है, जैसे हमने यहां पर लिख रखा है। लेकिन इसको हल करने के बाद देखिए यहां पर 11 के गुणक के रूप में आ रहा है, मतलब कि वो जो 4 अंकों की संख्या है ना, निश्चित रूप से 11 से भाग जा रहा है। ठीक है, अगर वो 11 से भाग जा रहा है तो अंदर की संख्या को भी 11 से भाग जाना चाहिए। तो 11 से भाग कब जाएगा, ये जो संख्या आपको दिख रहा है, देखिएगा ये वाला जो संख्या दिख रहा है 100 ए जो जिसे लिखे हुए हैं, तो इस 100 ए को हम किस रूप में लिखें। अब बाहर की संख्या का मतलब तो नहीं है, फिर भी हम इसको लिख देते हैं। अब इनको हम किस रूप में लिखें कि वो जो है 11 से भाग चला जाए, तो निश्चित रूप से भाई इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम 99 ए लिख दें, 99 ए लिख दें इसको, और क्या कर दें इसको प्लस, एक बार ए को और जोड़ दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 99 ए में एक जोड़ेंगे तो 100 ए हो जाएगा। मतलब अभी तक हमने इसको 100 ए ही लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए बी बचा हुआ है, तो इस बी को हम इनके साथ जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो संख्या है ये संख्या भी क्या हो जाएगा, 11 से भाग जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो 11 से भाग जा रहा है, इसको तो आप 11 से भाग दे सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो पूरा संख्या जो है 11 से भाग जाना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है कि यहां पर तो 11 से भाग जा रहा था, ये भी 11 से भाग चला गया, लास्ट में हमारे पास केवल क्या संख्या बच गया, केवल ए और बी, और वो भी ए प्लस बी। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है, ये जो ए भी हमने लिख रखा है, ये जो संख्या हमने लिखा हुआ है ना, ए ए और बी भी लिखा हुआ है, ये पूरा संख्या 11 से कब भाग जाएगा, यहां पर तो 11 से भाग जा रहा था, यहां पर भी 11 से भाग जा रहा था, लास्ट में हमारे पास बचा ए प्लस बी। यदि ये भी 11 से भाग चला जाए, मतलब यहां पर मैं इसको अलग से लिख देता हूं, यदि ए प्लस बी भी 11 से भाग चला जाए, तो निश्चित रूप से ये जो पूरा संख्या है, 4 अंकों की जो संख्या है वो 11 से भाग जाएगा। लेकिन भाई a प्लस बी जो है 11 से भाग कब जाएगा, एक बात हमेशा याद रखना, a और b दोनों अलग अलग संख्या है ना, क्योंकि a और a समान है और b समान है। यहां पर a और b दोनों का योग हो रहा है, जबकि हमको पता है कि a अलग से एक अंकों की संख्या है और b जो है अलग से एक अंकों की संख्या है। निश्चित रूप से ये दोनों संख्या भी 11 से भाग जाना चाहिए। उसके लिए आवश्यक होगा कि इन दोनों संख्याओं का योग भी, बोला गया है कि 11 से भाग जाए और वो संख्या छोटा होना चाहिए। निश्चित रूप से इनको यदि हम 11 से भाग दें तो भाग कब जाएगा, जब इन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, या फिर 11 को कोई गुणक आए, लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 11 से भाग जाना चाहिए। निश्चित रूप से इन दोनों संख्याओं को हमें पहले अलग अलग निकालना होगा। तो भाई यहां पर देखिए ए अलग से एक अंकों की संख्या है, बी अलग से एक अंकों की संख्या है, तो निश्चित रूप से इन दोनों को जोड़े तो 11 कब आएगा, वो कौन कौन सी संख्या है। तो निश्चित रूप से यहां पर मैं कुछ संख्याओं को लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं, ए प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें वो संख्या लिखना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि चलो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं ये मानता हूं कि ए जो है क्या है, 2 है, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहां पर हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 9, 9 और 2 कितना होता है, 11 आता है। निश्चित रूप से वो अगर ए जो है 2 है तो बी क्या होगा, 99। मतलब यहां पर हमारी जो संख्या है, यहां पर जो हमारी संख्या है वो कितना हो जाएगा, अगर ये ए है तो 2 बार ए आएगा और 2 बार
भी आएगा। तो क्या ये वो संख्या है? आगे वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में इनमें से कौन सी संख्या सही है। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहां पर हम ए को 3 लेते हैं तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 3 भी क्या होता है? 11 ही होता है। तो हमारे पास एक नया संख्या मिल जाएगा, 3 3 और 8 8। उसी प्रकार अगर हम यहां पर 4 लेते हैं तो यहां पर हम क्या लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि 7 और 4 भी 11 होता है। इसका मतलब यहां पर वो जो संख्या है वो इस प्रकार हो सकता है। उसी प्रकार यहां पर हम 5 लेंगे तो यहां पर क्या लेंगे? 6 लेंगे। उसी प्रकार इनका योग तो 11 आता है, तो निश्चित रूप से 5 और 5 6 और 6 यह भी वो संख्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये सभी संख्याओं में से कौन सी संख्या सही है ये हमें पता करना है, लेकिन अभी तो हमने पता किया ही नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मान ले जाइए 4 है, ठीक है, सॉरी 5 के बाद क्या हो जाएगा? अगर ये 6 होगा तो ये वाला 5 होगा, क्योंकि ये भी 11 होगा। तो यहां पर ये 6 है तो ये इस प्रकार होगा। उसी प्रकार यहां पर अगर हम क्या करें, इसको 7 करें तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये 4 होगा, क्योंकि 7 4 11 होगा। तो इसका मतलब 7 7 4 और 4। उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, इसको हम 8 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर 3 आएगा, तो ये भी 11 होगा। मतलब 8 8 और 3 और 3। अब एक ही संख्या हमारे पास और बच गया है, वो कौन सा है? देखिए, अगर ये संख्या क्या हो? 9 हो तो ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। मतलब हमारे पास आखिरी संख्या इस प्रकार आ रहा है, ये देखिए। तो इतनी संख्या में से वो कौन सी संख्या है जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा? क्योंकि इतने में से वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ आ गया कि ए और बी क्या होगा, इस प्रकार के संख्याओं से मिलकर बना होगा, तो वो संख्या इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या है। अब देखिए, ये कहा गया है कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर जो संख्या आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें पता है वो कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब कहलाता है? जब उसके इकाई में या तो 0 हो, या 1 हो, या क्या हो? 4 हो, या क्या हो? 5 हो, या क्या हो? 6 हो, या क्या हो? 9 हो। तो हमें इनमें से ऐसी संख्या ढूंढ लेना है जिनके इकाई में या तो 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, या फिर 9 है। उन्हीं संख्या में से कोई ना कोई एक संख्या हमारा उत्तर होगा। तो ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं जिनके इकाई में क्या हो? 0 है। तो क्या यहां पर कोई भी 0 है? नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। क्या यहां पर आप देख रहे हैं उनमें कहीं पर भी 1 है? नहीं है, इसको ही मिटा देते हैं। यहां पर देखिए, कहीं पर भी ऐसी संख्या है क्या जिसके इकाई में 4 है? निश्चित रूप से यहां पर है। तो हम यहां पर पहला संख्या के रूप में चयन करते हैं इसको, ये हमारा एक संख्या है। उसके बाद देखिए, इकाई में कहीं पर 5 है क्या? बिल्कुल है। तो हमारे पास दूसरा संख्या ये है, तो 6 6 5 और 5, ये भी हो गया। अब देखिए, हमने 4 वाला कर लिया, 5 वाला कर लिया, 6 वाला देखिए, इकाई में कहीं पर 6 है क्या? बिल्कुल है। यहां पर देखिए, 5 और 5 6 6, ये वाला भी हो गया। जिसको हम लिख रहे हैं उसको हम कट कर सकते हैं, ये हो गया है ना, और ये भी हो गया है, और ये भी हो गया है। उसके बाद 6 वाला भी हो गया। अब देखिए, इकाई में 9 वाला ये है, तो एक संख्या हमारे पास ये वाला भी है ना, 2 2 और 9। तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक संख्या हमारा क्या है? उत्तर है। तो भाई, निश्चित रूप से इनमें से वो संख्या हमें ढूंढ लेना। मैंने ये भी कहा था कि ये सभी संख्याएं वो क्या होना चाहिए? 11 से भाग देना चाहिए। निश्चित रूप से सभी संख्या को आप 11 से भाग देकर देख सकते हैं, निश्चित रूप से सभी संख्या 11 से भाग जाएगा। अब मैंने कहा था कि 4 अंकों की संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, सैकड़ों और हजार के अंक समान है, ये सभी में ऐसी संख्या है जिसमें इकाई दहाई है ना समान है, और सैकड़ों और हजार के अंक समान है। लेकिन इन चारों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है? तो निश्चित रूप से आप गुना करके देख लीजिएगा, इनमें बहुत सारी संख्याओं को आप गुना करके देखिए, लेकिन आप इनको करके देखिए, आप 88 गुना 88 करके देखिए, आपका उत्तर आ जाएगा इतना। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? 7744, यही सही उत्तर है। क्योंकि इनके इकाई और दहाई के अंक तो समान है ही, सैकड़ा और हजार के अंक भी समान है, और ये 11 से ही भाग जा रहे हैं, और यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि यही वो संख्या है। निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।